केंद्र की एनडीए सरकार की प्रभावी नीतियों के चलते बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर आ गया है। नक्सलियों को मिलने वाली बाहरी मदद भी बंद हो गई है, जिसके चलते नक्सली मुखबिर का आरोप लगाकर बेकसूर ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। इसके बावजूद कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का काम किया है। बस्तर में नक्सलवाद अपनी अंतरिम सांसें गिन रहा है। केंद्र में एनडीए की सरकार ने पुराने ढर्रे पर चल रही नीतियों को पूरी तरह से बदल दिया था, जिसके चलते नक्सलवाद का सफाया होना शुरू हो गया था। पिछले 5 सालों से नक्सलवादी संगठन नई भर्ती तक नहीं कर सका है। हथियार, गोला बारूद की सप्लाई शून्य पर पहुंच चुकी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस महकमा खुद निर्माण कार्यों को करवा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नक्सल संगठन तक ठेकेदारों के माध्यम से पहुंचने वाली भारी भरकम रकम पहुंचना बंद हो गई है। आईजी बस्तर ने बताया कि आत्मसमर्पित और गिरफ्तार किए गए नक्सलियों से मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस फोर्स उनकी मांग तक पहुंच चुकी है। नक्सल संगठन अब किसी भी घटना को अंजाम देने की स्थिति में नहीं है। परिणाम स्वरूप दहशत कायम रखने आदिवासी ग्रामीणों की ही हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक महिला, नाबालिग बच्चों समेत कुल 1,769 ग्रामीणों की हत्याएं हो चुकी हैं। वर्तमान में नक्सल संगठन बिल्कुल दिशाविहीन एवं नेतृत्वहीन हो चुके। उनकी स्थानीय कैडर्स द्वारा सिर्फ अपना वरिष्ठ कैडर्स को खुश करने के लिए किसी भी निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को पुलिस की मुखबिर के शक पर हत्या करना, स्कूल एवं आश्रम बिल्डिंग को ध्वस्त करना, सड़क पुल पुलियों को क्षति पहुंचाना, इस प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में लगा हुआ। विगत 20 वर्ष में नक्सल द्वारा बस्तर क्षेत्र में 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को पुलिस के मुखबिर पर आरोप पर हत्या कर दी गई। इसमें अनेक नाबालिग बच्चे एवं महिला भी शामिल है। माओवादी के इस प्रकार के एक विकास विरोधी एवं आदिवासी विरोधी चेहरा को स्थानीय जनता देख लिया और पहचान लिया है। इसी कारण से वर्तमान में नक्सल संगठन को स्थानीय जनता द्वारा बिल्कुल किसी प्रकार का समर्थन नहीं दी जा रही है और नक्सल संगठन में नया कोई भर्ती नहीं हो रहा है। इन तमाम परिस्थिति को देखते हुए माओवादी की टॉप लीडर्स में काफी एक बौखलाहट की स्थिति है। इसी कारण से वो अपना नीचे लेवल के कैडर्स को निर्दोष ग्रामीण को हत्या करना, एक भाई का वातावरण निर्मित करना, इस प्रकार का निर्देश दी जा रही है। आपने देखा किस तरह नक्सलियों की घेराबंदी हुई है। हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी बस्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, एनडीए सरकार का कौन सा फार्मूला नक्सलियों पर भारी पड़ रहा है? ये सत्य बता दूं आपको, पुलिस लगातार नक्सली पर दबाव बनाए हुए है। पुलिस ने लगातार उनके कोर एरिया में दबिश दी हुई है। कई बहुत सारे बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं, पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, आत्मसमर्पण हुए हैं। तो खासतौर से पुलिस की जो आत्मसमर्पण की नीति बनाई है, पुनर्वास की नीति बनाई है सरकार ने, उससे काफ़ी प्रभावित है नक्सली। उनको लगता है कि उनका फ्यूचर सुरक्षित हो सकता है आत्मसमर्पण करने पर। और बहुत से नक्सलियों ने समर्पण किया है, जिन्हें सरकारी नौकरियां दी गई हैं, पुलिस में भर्ती किया गया है। उनको उनका रहन सहन, उनका पारिवारिक परिवेश की बातें भी अंदर तक पहुंचती हैं, उससे भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं वो लोग, आत्मसमर्पण कर रहे हैं लोग। तो ये अपन कह सकते हैं कि पुलिस की सरकार की पुनर्वास नीति और पुलिस का दबिश, और ख़ासतौर से केंद्र सरकार ने जो नक्सली उन्मूलन के लिए जो विशेष अभियान चलाए हुए हैं, उसकी सफलता है ये। जी जी संजीव जी, ये बताएं, क्या ये माना जा सकता है कि निकट भविष्य में नक्सलवादियों का खात्मा हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं हम कि जिस तरह से पुलिस का फोर्स का जो दबाव चल रहा है, जो लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उनके कोर एरिया पहुँच रहे हैं, हथियार मिलने बंद हो गए हैं, पैसा पहुँचना बंद हो गया है, क्योंकि पुलिस अब पुलिस विभाग खुद ही पुलिस हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से निर्माण कार्य करवा रहा है, ठेकेदारों के माध्यम से काम नहीं हो रहे हैं, तो पैसा पहुँचना बंद हो गया है, सूचनाएँ नहीं पहुँच रही हैं, गाँव के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नई भर्ती नहीं कर पा रहे हैं नक्सल संगठन। तो अपन ये कह सकते हैं कि निकट भविष्य में आप देखेंगे कि नक्सलवाद लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थे संजीव पचौरी, जो बता रहे थे कि नक्सलवादी खून खराबा छोड़कर कैसे मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।